अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। विगत दिनों पहले कस्बे में दो मरीज निकलने से आज दिनांक 8 सितंबर 2020 को पुनः एक बार कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय बांसी में 120 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले। मरीजों के नाम इस प्रकार हैं: रुद्र प्रताप पुत्र नरेंद्र सिंह उम्र 13 वर्ष, अभय पुत्र अरविंद गुप्ता उम्र 17 वर्ष, नरेंद्र पुत्र खुमान सिंह उम्र 39 वर्ष। इन तीनों को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तालबेहट एलवन सेंटर भेज दिया गया, जहां पर जांच करने वाली टीम में लैब टेक्नीशियन अनुराग सोनी, लैब सहायक घनश्याम कुशवाहा, संतोष राजपूत, एसटीएस जसवंत सिंह यादव, नीलेश सिंह व आशा संगनी उपस्थित रहीं। एवं परिवार कल्याण उपकेंद्र पर 70 लोगों की कोरोना की जाँच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। यहाँ जाँच करने वाली टीम में लैब टेक्नीशियन कपिल व हेमंत, फार्मासिस्ट नीलेश, एमएचसीपी फूलचंद्र, एएनएम रागनी राजपूत, बसंत व आशा संगनी उपस्थित रहीं। कस्बा के एसबीआई बैंक के सामने भी बाढ़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 50 लोगों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बांसी में आज सभी जगह कुल मिलाकर 240 लोगों की जाँच की गई, जिनमें कुल मिलाकर 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बांसी से शैलेंद्र पुरोहित की रिपोर्ट।